हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होने। स्वागत है आपका मेरे सेकंड ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे जो है हमारे घर के पास काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ पे जो है जियो और एयरटेल का टावर लगा हुआ है और साथ में ही एयरटेल के टावर के साथ पानी का टैंक भी है। तो वो वीडियो में अच्छे से दिखा नहीं था, तो इसलिए मैं आज आपको स्पेशल वहाँ का ब्लॉग दिखा रही हूँ। और यहाँ से मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू है। इस साइड एक साइड को पूरा जंगल है और ऊंची पहाड़ी है, जिससे एक साइड को हमारा घर दिखता है और दोनों साइड के जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एयरटेल का टावर लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, जो मैंने आपको बताया था वो दिख नहीं रहा था अच्छे से, देखिए काफ़ी बड़ा है। और इसी साइड नीचे साइड को देखिए व्यू कितना अच्छा है। और ये देखिए सामने नीचे हमारा घर भी दिख रहा है यहाँ से नज़दीक में। तो ये इस साइड को पूरा जंगल है, ये सामने आगे जियो का टावर लगा हुआ है। जियो का टावर से हमारे घर लगा हुआ है। बताया था कि जंगल पूरा है, मतलब जंगली जानवरों का डर है यहाँ पे, तो पूरा जंगल। और ये देखिए इस साइड को पूरा व्यू दिखता है। ये सामने यहाँ पे हमारी जो मार्केट है, जहाँ अगर हमें कुछ सामान वगैरह लेना होता है तो हम वहाँ जाते हैं। आगे चौंकड़ा मार्केट है, ये चौंकड़ा बी रोड, छोटी छोटी मार्केट है मतलब। और ये देखिए आज मैं अपने ब्रूनो को साथ में लेके आई। हाय ब्रूनो। तो ये ब्रूनो को मैं साथ में लेके आई हूँ। देखिए ये मेरे पास आ गई है। कैसी है? कल भाग गई थी, आज ये मेरे साथ है। जा घूम के आओ, जा। तो आपने देख लिया होना यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। तो गाइज देखिए, जहाँ पे अगर हमें कुछ सामान लेना होता है मार्केट से, तो वो देखिए कितने दूर मार्केट है यहाँ पे। एक चौंकड़ा शहर है, चौंकड़ा से 5 किलोमीटर आगे भी रोड है, तो वो दोनों मार्केट है यहाँ पे लोकल। तो वहीं से हम जो भी सामान लाते हैं वहीं से लाते हैं। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा होना टेम्पल है, जो दलाई लंबा का है। और यहाँ पे जब भी दलाई लंबा आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं, वो यहाँ का मेन टेम्पल है। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है अंदर से। किसी दिन मैं आपको वहाँ का ब्लॉग भी दिखाऊंगी। और ये देखिए पूरी मार्केट और व्यू भी कितना अच्छा है। और यहाँ पे सामने ऊपर बिलिंग है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पे अभी बर्फ नहीं पड़ी हुई है, स्नोफॉल बहुत ही अच्छी पड़ती है वहाँ पे जाके। और वहाँ पे छोटी छोटी मार्केट है, लेकिन सामान वहाँ पे बहुत ही महंगा है, जैसे 1 रुपये की ये जो वहाँ पे 5 रुपये में मिलती है। तो किसी दिन वहाँ का ब्लॉग भी दिखाऊंगी आपको। बाकी देखिए व्यू कितना अच्छा है। चलिए चलिए गाइस, मैं आपको पानी का टैंक बताती हूँ। यहाँ पे टावर के साथ में ही है और यहीं टैंक के साइड में थोड़ा सा आगे जाके हमारे चाचा जी का घर बन रहा है, वो भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये पानी का टैंक है, पुराने वाला टैंक ये है। और ये देखिए सामने नया टैंक बना हुआ है अभी, तो दोनों टैंक अभी चालू है। और ये सामने जो है वो हमारे चाचा जी लगते हैं, बस ये दो घर नजदीक में है हमारा घर और चाचा के घर के साइड में भी पूरा जंगल है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो बाकी मैं किसी दिन आपको जो है टावर का जो व्यू है, मैं जब यहाँ पे टावर वाले भैया आते हैं तो मैं यहाँ पे अंदर से टावर का व्यू दिखाऊंगी आपको। गाइज देखिए, हमारे MLA सर जो है यहाँ पे, उनका हेलीकॉप्टर जा रहा है, उनका घर यहीं हमारे में घर से 8-10 किलोमीटर दूरी पे है। ये देखिए वो यहीं हेलीकॉप्टर में आते जाते हैं ज़्यादातर, और बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होना, जूम करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। गाइज तो हमारी ब्रूनो भागती हुई आ रही है, क्योंकि इसे पता है अभी डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, क्योंकि ये बिना बताए चली गई थी यहाँ से। ब्रूनो किधर गए? इसके साथ खेल रहा हूँ। रुनो कम, चुप।
रो ना। ट्रैवलिंग का दिखाएंगे हम आपको किसी दिन, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए।